की हालचाल सत श्री अकाल। मैं यहाँ आया हूँ सारंगपुर, सारंगपुर के बड़े मंदिर में। मैं आपको दिखाता हूँ, आ गया। वहाँ आपको दिख ही रहा होगा पीछे वाले, वहाँ दिख रहा है ना आपको, वो सारंगपुर का बहुत बड़ा मंदिर है। हेलो, ये है मेरा दोस्त वर्षिल। यहाँ पूजा हो रही थी, वो भी बंद हुई। और इस लड़के को मोशन सिकनेस है, इसलिए इसे ज़्यादा गाड़ी में पसंद नहीं है, वरना तो ये आने नहीं वाला था। पर कुछ भी करके आ गए तो गया। काम अब यहाँ पे ओवर दूध आ रहा है। हाँ, हमने पेट पूजा भी कर ले। इसने सामने चल जाते, इसने चीज सैंडविच खा ली। चलो चल पास से मंदिर दिखाते हैं। इसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि ये के सफ़र करने से पहले को कुछ खाता नहीं है, उसने मोशन सकने से। सो गाइस, हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और हम मंदिर चढ़ा नहीं ले, फोन नहीं ले जा सकते वहाँ पे, सिक्योरिटी खड़ी है इसलिए। हाँ इसलिए, हाँ यहाँ से ही दिखा देते हैं। देखा इतना बड़ा है मंदिर। और वहाँ पे दर्शन करते आते चल, हाँ दर्शन करते। चप्पल उड़ी क्यों किसी का भी चप्पल उड़ के आया, मेरा नहीं था। इस वाले मंदिर में, पीछे के मंदिर में मेरे मम्मी और मेरे मम्मी के दोस्त गए थे, मतलब इसके मम्मी। पूजा चल रही है, और वरना तो मैं गुजराती में बोलता, क्योंकि सब यूट्यूबर ऑलमोस्ट हिंदी है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ गुजराती बोलता नहीं हूँ। मुझे गेमिंग के वीडियो बनाने थे, पर मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं बनाना चाहिए। यहाँ एक मॉल है, मॉल टाइप में है, पर धार्मिक स्टोर है, वटाल धाम धार्मिक स्टोर उसका नाम है। ऐसा है बिल्कुल। और की है गाइस, यहाँ तो पहले ओवरकास्ट था भाई, पूरा क्लाउडी वेदर हो गया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ, हम जैसे सारंगपुर एंटर हुए थे तब ओवरकास्ट हो गया। तो सब हम लोग वही स्टोर में आए थे जो हमने आपको बोला था, अंदर से हम, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ मना है, करता तो क्या होता पता नहीं। तो मना तो नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है। हाँ बरोबर है, कहीं आराम करने भी जगह नहीं है। सो गाइस, अभी हम स्टोर के अंदर है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए बाहर रहना चाहिए, कोरोना का माहौल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मैंने तो मास्क नहीं पहना, इसके तो रूमाल वाला मास्क पहन नहीं रहा है, मैं तो अपना मास्क घर पर भूल गए राजकोट पे। सो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने व्यू, मेरे कितने वीडियो के कितने व्यू है। मैंने जो बाइनोक्यूलर वाला अपलोड किया था वो 40 व्यू थे उसमें, बाद में जो जामनगर किया था उसमें हाईएस्ट है 83 ऑलमोस्ट, और एक म्यूजिक वाला एयर इंडिया का इन्फॉर्मेशन वाला, उसमें कुछ किसी को समझ में ही नहीं आया होगा, सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए सब ने किया होगा। उसने हमारे ग्रुप में वो भी मिला और मैसेज किया था, आप ऊपर बोलो। अदर गाइस, मैं अपना वीडियो के व्यूज बताने वाला था जो, तो क्या कहूँ, 83 व्यूज वो थे मेरे जामनगर ब्लॉग के, जामनगर ब्लॉग पे। और डेयर गेम का था वो, उसका कितना हो गया, 53 थे। और जो एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कितना प्लेन्स और उसके लिए वो म्यूजिक वाला वीडियो डाला था, उसके 106 व्यूज थे।
बाद में इसलिए इसके 106 व्यूज इसके लिए है क्योंकि सबने म्यूजिक सुनने के लिए ही करे क्या होगा। वो जो दूसरा वाला था नॉर्मल मैंने डाला था म्यूजिक बिना का, उसमें एकमात्र 26 व्यू है। और क्या बताऊँ, मैंने मेरे भाई के साथ एक बार किया था, आपको आपने देखा होगा 3 साल पहले, बहुत टाइम पहले किया था। उसका 23 थे, दूसरे के 24 थे, और तीसरे के 18, और चौथे के 13 थे। इसलिए ऑलमोस्ट मैंने एक बार किया था कैलकुलेशन, 400 व्यूज मेरे हो सकते हैं सारे सारे वीडियो को मिला के। और मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ एक मात्र 37 ही है, प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ा दो ना। तो एक काम करो, जो आ मेटालिक नो आयो छे ने ई सोमवार निकली जाय कराई दो बस, क्योंकि मुझे बहुत जर। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अभी ब्रॉल स्टार खेल रहा था, नेट नहीं आ रहा था यहाँ, नेट नहीं नहीं है। अब हम स्टोर के अंदर जाने वाले हैं, हम कहीं बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, खाली मिल गए। यहाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे नेट ही नहीं आ रहा है। और यहाँ नीचे तो नेट क्यों आएगा भाई, थोड़ा नेट आ रहा है, देखते हैं गेम चालू हो रही है कि नहीं। ये इसने चालू की, नहीं आएगा, ये नहीं दिख रहा है भाई। अभी 20% ही हुई है क्या, अभी 20% ही हुई। कनेक्ट टू सर्वर भाई, देर लगेगा, ये देर लगेगा। रोल स्टार इसे मगज में कब से चढ़ गया, इसके दिमाग में कब से चढ़ गया रोल स्टार। और हमारा और एक दोस्त है जो हमसे बड़ा है, बोनी, मैं उन्हें उसे बोनजूर कहता हूँ, पर उसका असली नाम है अयान। वो भी ब्रॉल स्टार खेलता है, वो भी खेलता है। मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ। हाँ, ये फ्री फायर भी खेलता है, ये पबजी भी खेलता है। ये पबजी भी खेलता था, पबजी खेलता था, बैन हो गई, बैन हो गई ना। अरे हमारे फ्लैट में एक सारा लेना, वो भी खेलता है फ्री फायर। अब भाई यहाँ पे नेट ही नहीं आ रहा, बंद, नेट ही नहीं आ रहा है भाई। होता है ठीक से वीडियो आ जाए तो ठीक है, वरना कर जा कर करना पड़ेगा। और मजा आ रहा है भाई। और हमारे मम्मी पापा फिर से गायब हो गए, गायब। चल भाई देख के आते हैं, चल चल पापा। क्या भाई, ये चिंता करवाता है भाई, ये तो इसने तो किसी का पोस्टमार्टम भी कर दिया था। किसने किया था, तूने दूसरे का किया था पता है ना। चल बैठ, कॉल हमारे साथ एक सीन हुआ था, क्या दूसरे फ्रेंड के साथ नहीं हुआ था, कल उस हर्षवर्धन के साथ। ये स्टोरी में कहता हूँ, एक पहले एक रात थी उस वाली कली हम सब फ्लैट वाले दरज रात को हर रोज साइकिल लगाते हैं, रात को चलाते हैं फिट 11। ओ भाई भाई, बाबा हिंदी नहीं बोलना है। हाँ तो हम गार्डन सिटी तक चलाते हैं अपनी साइकिल रात को 9 बजे नीचे आते हैं, और 11 बजे तक रात 11 बजे तक चलाते हैं। और ये अब सीन कहेगा क्या हुआ था। तो मेरा एक फ्रेंड है हर्षवर्धन, तुझे नहीं पता, मुझे तो पता है पर तू के ना। हाँ तो हुआ यूँ था कि ये दोनों हर रोज कन्या छात्र लेके के तक जाते हैं साइकिलिंग करना। तो क्या आज हम छोड़ा दूर तक गए थे। हाँ ये लोग उसको क्या बोलते हैं, कन्या छात्रालय के बाजू के शहरी में, उसके बाजू के शहरी में गए थे। तो हर्षवर्धन ने इसकी साइकिल छुपा दी, और हर्षवर्धन फुर रो गए पाकिस्तान में। और वो मेरी साइकिल नहीं हुई तो मैं कहाँ से आया,
और वहाँ पे कूदता था एक, तो मैं डर गया और इस बिचारा का साल चीनू हुआ क्या भाई, चार कुत्ते नहीं चप्पल हो गया, चार कुत्ते मेरी तो फूल फाटी भाई, फटी फट गई भाई इसके, भाई सटक जाएगा, फिर सटक जाएगा। फिर मैंने हर्षवर्धन की साइकिल भी छुपा दी और वो रोने लगा, रोतलू रोतलू रे रोतलू घी गोर खाता था क्या बोल रहे भाई पागलपंती है। सो गाइस तोबा साला मूड खराब कर दिया, आए हमारे मम्मी पापा के, चल बे आ गया हाँ। हम तो अभी बैठे उन लोगों को भी दिख जाएगा, अब हम टॉय स्टोर पर मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, हम जब बाहर जाएंगे तब फिर अभी दौड़ के आ रहे हैं छोटे दादा। अबे भाई यहाँ दादा कुछ खास हो नहीं रहा, हम और खिलौने लेने वाला है पर उसके बहुत मजा नहीं आएगा। हाँ मेरा कार 98 लेने का प्लान था पर उसके बदले स्कार ले लिया था मैंने, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ अच्छा होगा तो ले लेंगे, वरना मम्मी कहाँ गए, वरना जय सीताराम। मोटे नहीं बड़े भाई, बड़े भाई अभी ये रही अल्लाह चल रहे भाई। और भाई कल हम नर्फॉल का वीडियो बनाने ही वाले थे पर क्या हुआ पता नहीं, बहुत सारे लोचे थे, इसने कह दिया था कि हैप्पी मोड से ये स्पॉन्सर हुआ है वीडियो, इसलिए क्या हालत क्या होती हमारी वो सोचो, हालत क्या होती हमारी, फट जाते हम फट जाते हैं पूरे ऊपर उठ जाते हाँ। और मेरे पास दो गन है, स्कार एफ और एक हॉट फायर की नर्फ टाइप गन है, इसके पास दो पिस्तौल है और एक नर्फ की पिस्तौल भी थी, मेरे पास दो AWM थी हाँ, इसका एक बड़ी थी और एक छोटी थी, इसके पास तीन पिस्तौल है, एक नर्फ वाली पिस्तौल है, एक दो छोटी पिस्तौल जो एक एक साथ ही आते हैं। और हमारे पापा कहाँ, मारे मारे मार, ये रहे पापा कहाँ गए, ये रहे हाँ यूट्यूब चलता है देखते हैं, हाँ यूट्यूब चलता है कि नहीं, मैं चालू भी कर, ये चालू ही नहीं हो भाई, लाइब्रेरी सिर्फ शुरू होगा, मैं कह देता हूँ, ये नेट तो नहीं रहा है, चक्कर फर रहे है, चक्कर घूम रहे है या अरे, इसलिए लाइब्रेरी में कोई वीडियो डाउनलोड किया होगा तो इसलिए ठीक होगा। और मैंने थोड़ी खरीदी कर ली है और हम जा रहे हैं अभी खिलौने की दुकान पे, खिलौने पे नहीं पहले कुछ भगवान को चढ़ाना है, वो हार जो पहनने वाला हूँ ये अभी एक तो है दो हो जाएगी, ये जरूर रुद्राक्ष हार नहीं कहते बे इसको, बोरा कहते क्या, दोरा 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 हाँ दोरा, तो हमने यहाँ एक फ़ोटो बढ़ाया, फ़ोटो ली खींचा हमने मेरे पापा का फ्रेंड के मोबाइल में, मतलब के इसके पापा पूछा देखता है क्या क्या क्यों हुआ। हेलो गाइस ये था आज का वीडियो, आपको तीन टास्क करने हैं, लाइक करिए शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो मेन पार्ट है, ये लॉन्ग टास्क है, गुड बाय।